चलो गाइस, सो बीआरएस की हमारी बात चल रही थी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आ जाओ आगे बढ़ते बेटा, हम लोग फाउंडेशन लेवल का अकाउंटिंग सब्जेक्ट चल रहा है बीआरएस। इसमें ऑलरेडी हमने एक लास्ट टाइम जंबो क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपको स्क्रीन पे अगर दिख रहा होगा तो आपकी नोट्स में क्वेश्चन नंबर 4। चलो आगे बढ़ूँ मैं, उसके बाद आ जाओ आज और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भरपूर, एकदम अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन। देखो, सो क्वेश्चन नंबर 1, सब लोग साथ में बेटा, चलो स्टार्ट करो क्या। सो क्वेश्चन नंबर 1, कैश बुक ऑफ HMN कंपनी शोड एंड OD बैलेंस ऑफ ₹30,000 एज ऑन 31 मार्च 2007। ठीक है, ऑन स्क्रूटी ने क्या बोला बेटा, एंट्रीज इन द कैश बुक एंड द पास बुक रिवेल दैट 22 मार्च को चेक थे, एक से ज़्यादा चेक थे शायद, चेक्स टोटलिंग ₹6,000 वर सेंट टू बैंकर। चेक सेंट टू बैंकर मतलब चेक डिपॉजिट किया है इन्होंने। चेक सेंट टू बैंकर मीन्स चेक डिपॉजिटेड। चेक सेंट टू बैंकर मीन्स चेक डिपॉजिटेड। आ जाओ आगे बढ़ते। आउट ऑफ दिस अ चेक ऑफ ₹1,000 वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड चेक्स अमाउंटिंग टू ₹300 कुड नॉट बी कलेक्टेड बाय बैंक विद इन अ ईयर। सबसे इम्पॉर्टेंट वाला जो एडजस्टमेंट है वो सबसे पहला वाला है। हम लोगों को यहाँ पे HMN कंपनी के लिए BRS बनाने के लिए बोला है बेटा, कैश बुक का OD बैलेंस दिख रहा है 30,000। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में माइनस का साइन दे दूंगा, ध्यान देना प्लीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैश बुक का OD बैलेंस है मतलब क्रेडिट बैलेंस है। आ जाओ एक काम करते हैं, इसको अब मैं थोड़ी सी जगह कर लेता हूँ और साइड में लिखता हूँ। आंसर लिख रहा हूँ मैं ब्लैक कलर के पेन से, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर HMN कंपनी, डेट है कब बनाना है 31 मार्च, ऑन 31 मार्च 2007। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बना लेते बेटा। आ जाओ, सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, यहाँ पे कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है और हमें बोला है BRS प्रिपेयर करना है। ठीक है, बना लेते हैं BRS। कैश बुक दिया है स्टार्टिंग पॉइंट, सो यहाँ पे लिख लेता हूँ सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे लिख लेता हूँ अमाउंट। आपका पूरा एक पेज होना चाहिए, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स और आखिरी में अमाउंट। ठीक है, सब लोग साथ में। सो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का OD बैलेंस है, सीन्स OD ओवरड्राफ्ट बैंक में हमारे हिसाब से, कैश बुक यानी हमारे हिसाब से बैंक में निगेटिव बैलेंस है, मतलब हमें बैंक वालों से लेना नहीं उल्टा देना है। ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी कितना, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 30,000। ओवरड्राफ्ट है इसीलिए मैं माइनस लिख रहा हूँ। ठीक है, ओवरड्राफ्ट इसलिए देखो ब्रैकेट में लिखा माइनस थर्टी थाउजेंड, किसी को कोई तकलीफ है? चलो आगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, माइनस बैलेंस है। ठीक है, डन। आ जाओ, चल ठीक है, आगे बढ़ते। उसके बाद अब पहला पॉइंट पढ़ रहा हूँ, पहले पॉइंट में ये सारी चीज़ें दी है, फर्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं इसका क्या करना है, ऐड करना है, लेस करना है। आ जाओ, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपने भी लिखना है वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर द पॉइंट नंबर 1। एक पेज का BRS बनेगा, उसके बाद लिख लो वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, सब वर्किंग नोट क्यों बना रहे हो, क्योंकि पहला पॉइंट समझाने के लिए वर्किंग नोट बताना बहुत ज़रूरी है। टोटल कितने के चेक थे, टोटल थे ₹6,000 के चेक जो हमने डिपॉजिट किए थे, उसमें से ₹1,000 का चेक वॉग रॉन्गली रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। अरे रे 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 रे, 1,000 का चेक कैश बुक के क्रेडिट में लिख दिया, डेबिट में लिखना चाहिए था क्रेडिट में लिख दिया, डेबिट में लिखना चाहिए था क्रेडिट में लिख दिया, यस और नो? आ जाओ अभी देख लेते।
सो हजार का चेक टोटल चेक थे 6,000 के, उसमें से 1,000 के चेक में लफड़ा हो गया। और आगे क्या दिया है, आगे बोला है एंड चेक्स अमाउंटिंग टू ₹300 नॉट कलेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, 300 के चेक, टोटल चेक में 300 के चेक कलेक्ट नहीं हुए, इसका मतलब 5,700 के चेक कलेक्ट हो गए। टोटल चेक 6,000 के थे, 6,000 में 300 के चेक कुड नॉट बी कलेक्टेड, मतलब 5,700 के चेक कलेक्टेड है। 300 के चेक कुड नॉट बी कलेक्टेड मतलब 5,700 के चेक कलेक्टेड, यस और नो, बोल सकता हूँ ना मैं, क्लियर है ना। 300 के चेक कुड नॉट बी कलेक्टेड मतलब 5,700 के चेक कलेक्ट हो गए, 1,000 के चेक में अकाउंटिंग गलत हुई, लेकिन कलेक्ट नॉट कलेक्ट की बात करूं तो 300 के चेक कलेक्ट नहीं हुए मतलब 5,700 के चेक कलेक्ट हो गए। आ जाओ, सो 6,000 में 300 के चेक कुड नॉट बी कलेक्टेड, ₹300 चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, कलेक्ट नहीं हुए, देयर फोर इसीलिए बैलेंसिंग फिगर 5,700 के चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड। बरोबर है। अब इन्होंने जो बुलाया 1,000 का जो चेक है उसकी अकाउंटिंग में गड़बड़ कर दी, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड है तो कैशबुक बढ़ना चाहिए था, कैशबुक के डेबिट में लिखना चाहिए था, इन गधों ने गलती से कैशबुक के क्रेडिट में लिख दिया 1,000 का चेक। अब बताओ मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके, वो 1,000 का चेक 300 में रहेगा या 5,700 में रहेगा? वो जो 1,000 के चेक में लफड़ा हो गया है, गलती हो गई है, वो 300 में रहेगा या 5,700 में? बोलो फटाफट से, 5,700 में। बरोबर, तो 5,700 में जो 1,000 का चेक था, चेक ऑफ ₹1,000 कलेक्ट भी हो गया, डिपॉजिट भी हो गया, कलेक्टेड, डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड, बट रॉन्गली रिकॉर्डेड ऑन कैशबुक क्रेडिट साइड। अरे रे रे रे, मतलब देयर फोर बैलेंसिंग फिगर 5,700 में 1,000 में लफड़ा हो गया, मतलब 4,700 के चेक प्रॉपरली डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड एंड प्रॉपरली रिकॉर्ड भी हो गए, रिकॉर्डेड इन कैश बुक प्रॉपरली। ठीक है, ये था फर्स्ट पॉइंट। इसमें किसी को तकलीफ है तो पूछो। टोटल 6,000 के चेक थे, 6,000 में 300 के चेक कलेक्ट नहीं हुए मतलब 5,700 के चेक कलेक्ट हो गए, लेकिन 5,700 में 1,000 रुपये का जो चेक था उसमें गड़बड़ कर दिया अकाउंटेंट ने, मतलब 4,700 के चेक में गड़बड़ नहीं हुआ, 5,700 में 1,000 के चेक में कैशबुक के क्रेडिट में लिख दिया, कैशबुक के डेबिट में लिखना चाहिए था, क्रेडिट में लिख दिया। ये फर्स्ट पॉइंट है पूरा। टोटल चेक्स ऑफ ₹3,000, उसमें से 300 के चेक कलेक्ट नहीं हुए मतलब 5,700 के कलेक्ट हो गए। अभी दिन नहीं है मतलब अभी शाम या रात है, बरोबर है ना, आया ना, अभी दिन नहीं है मतलब अभी रात है, 300 के चेक कलेक्ट नहीं हुए मतलब 5,700 के कलेक्ट हो गए, और 1,000 का जो चेक है वो चेक डेफिनेटली 5,700 में होगा क्योंकि 300 में 1,000 थोड़ी हो सकता है। 1,000 का चेक डिपॉजिट हो गया, कलेक्ट भी हो गया, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से कैशबुक के क्रेडिट में लिख दिया। मैंने क्वेश्चन में जो लिखा था वही यहाँ पे लिखा है, और कुछ भी नहीं है। टोटल कर लो, 4,700 प्लस 1,000, 5,700 प्लस 300 यानी 6,000 हो गया क्या टैली, डन। अब देखो जरा जादू, अच्छे से ध्यान देना। 300 के चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, बोलो फर्स्ट स्टेप कैशबुक पासबुक इक्वल लेवल, फर्स्ट स्टेप कैशबुक पासबुक इक्वल लेवल, सेकेंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में लिखा था चेक डिपॉजिटेड, कैशबुक तो बढ़ गया लेकिन वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, बोलो पासबुक यहीं खड़ा रहेगा क्या? यस, दैट्स इट, गेम ओवर, आ गया न्यू पोजिशन। कैशबुक ऊपर, पासबुक नीचे, कैशबुक ऊपर, पासबुक नीचे, कैशबुक ऊपर, पासबुक नीचे, बरोबर। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ? पक्का डन, कैशबुक ऊपर है, पासबुक नीचे है,
डिफरेंस कितना है यहाँ पे 300 का, बरोबर 300 के चेक की बात थी ना, तीन बरोबर है ना। चलो यार देखो, तो फर्स्ट वाला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, 6,000 रुपीज में 300 के चेक नॉट कलेक्टेड मतलब 5,700 के कलेक्टेड है, और 1,000 रुपये का जो लफड़ा हुआ वो 1,000 का चेक किस में रहेगा, 5,700 में, कॉमन सेंस। 1,000 के चेक में क्या गलती हुई है देख लो, ये तो समझ में आया, डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है यहाँ पहुँचना है, फिक्स करो लेस करो, तो 300 लेस हो जाएगा, यस। चेक ऑफ रुपीज 1,000 कलेक्टेड बट रॉन्गली रिकॉर्डेड ऑन द कैश बुक क्रेडिट साइड, अरे रे रे रे, चेक कलेक्ट हो गया, क्लियर हो गया है, बट कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिख दिया, मतलब 1,000 का चेक या डिपॉजिटेड, कैश बुक को बढ़ाना चाहिए था, बढ़ाया तो नहीं, उल्टा क्रेडिट यानी कम कर दिया, और वो चेक क्लियर हो गया तो पासबुक बढ़ जाएगा क्या? डिपॉजिटेड चेक क्लियर हुआ तो पासबुक बढ़ेगा ना। फिर से कैश बुक बढ़ाना चाहिए था 1,000 से, बढ़ाया नहीं, उल्टा कम कर दिया, और वो चेक क्लियर हो गया बैंक में तो पासबुक बढ़ गया, तो 2,000 का डिफरेंस हो गया, कैश बुक नीचे पासबुक ऊपर, डिफरेंस कितने का है 2,000 का। वापस बताता हूँ, चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक बढ़ाना चाहिए था, ये तो बढ़ाया नहीं, उल्टा कैश बुक को कम कर दिया 1,000 से, क्रेडिट कर दिया, और वो चेक क्लियर हो गया तो पासबुक बढ़ गया, डिपॉजिटेड चेक है ना, डिपॉजिटेड चेक क्लियर हो जाता है तो पासबुक बढ़ जाएगा, डिफरेंस कितने का है कैश बुक और पासबुक में 2,000 का, डिफरेंस कितने का है 2,000 का। यहाँ तक क्लियर है बेटा, सारी चीज़ें डन। चल स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है यहाँ पहुँचना है, इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है यहाँ पहुँचना है, तो 2,000 ऐड करेंगे, और 4,700 डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड, और कोई लफड़ा नहीं हुआ इसमें, चेक डिपॉजिटेड 4,700 के क्लियर भी हो गए, कैश बुक पासबुक इक्वल जीरो। सो नेट इम्पैक्ट क्या आया, 0 प्लस 2,000 माइनस 300, देयर फोर 0 प्लस 2,000 माइनस 300 यानि प्लस 1,700, दैट्स इट, गेम ओवर। तो पहला वाला पॉइंट ये एज इट इज सेंटेंस लिख देना पूरा, और यहाँ लिख देता हूँ प्लस 1,700, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक लिया है, ओडी बैलेंस था इसलिए मैंने स्टार्टिंग में माइनस दे दिया, काफ़ी सारी किताबों के अंदर में स्टार्टिंग में माइनस का साइन नहीं देते, तो वो पूरा प्लस का माइनस आगे कर देते, माइनस का प्लस मतलब काफ़ी किताबों में माइनस 1,700 दिखेगा, और प्लस 30, हमने क्या किया, ओडी बैलेंस है तो स्टार्टिंग में माइनस का साइन लिख दिया, तो आगे हमारा एडलेस रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, अल्टीमेट आंसर सेम आएगा, क्लियर पक्का डन। चलो आगे, चलो नेक्स्ट पॉइंट, अ चेक ऑफ रुपीज 4,000 वॉज इशूड टू अ सप्लायर ऑन 28 मार्च, चेक वॉज प्रेजेंटेड टू बैंक ऑन 4 अप्रैल, 28 मार्च को चेक इशू कर दिया, लेकिन सामने वाले ने कब प्रेजेंट किया, 4 अप्रैल को, मतलब इस मंथ के एंडिंग में जिस दिन BRS बना रहे उस दिन पासबुक कम हुआ क्या, नहीं, उस दिन पासबुक यहीं खड़ा था। सो फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकेंड स्टेप इन्फॉर्मेशन पढ़ो, चेक इशूड बट वो क्लियर ही नहीं हुआ इस मंथ के एंडिंग तक, आ गया न्यू पोजिशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुँचना है, फिक्स करो ऐड करो। सो बी पॉइंट में जो भी है सेंटेंस एज इट इज लिख देना, क्वेश्चन से क्या सेंटेंस लिखेंगे मैं बता रहा हूँ, बी पॉइंट में चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। नेक्स्ट, देयर वर डेबिट इन द पासबुक फॉर इंटरेस्ट ऑफ 2,000 ऑन ओडी एंड बैंक चार्जेस 600, यानी पासबुक में डेबिट हुआ है, रुको, कैश बुक में डेबिट याने प्लस, उल्टा पासबुक में डेबिट याने माइनस, सो पासबुक कम हुआ 2,000 और 600 से, पासबुक में 2,000 और 600 का डेबिट था, पासबुक 2,600 से कम हो गया। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग, इसलिए यहीं खड़ा है,
आ गया न्यू पोजीशन। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, कैश बुक, पहुंचना है पासबुक पे, जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो, लेस करो। ब्रैकेट में लिखा मतलब माइनस है, आप माइनस का साइन भी दे सकते हो। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 100। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का क्रेडिट साइड अंडरकास्ट हो गया 100 रुपये से। अब अंडरकास्ट ओवरकास्ट का लफड़ा क्या रहता है पहले वो बस समझा देता हूँ, अच्छे से एक बार ध्यान देना। आ जाओ अबे ना, नया एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, साइड में कहीं पे भी लिख के रख लेना। अंडरकास्ट, अंडरकास्ट का मतलब होता है गलती से कम हो गया। अंडरकास्ट का मतलब है गलती से कम हो गया। आ जाओ, यस, गलती से कम हो गया। निगेटिव नहीं बोलना, निगेटिव नहीं बोलना, ऐसा बोलना गलती से कम हो गया, है ना। बी आर एस टॉपिक में अंडरकास्ट क्या क्या हो सकता है, बी आर एस टॉपिक में अंडरकास्ट हो सकता है, बी आर एस टॉपिक में अंडरकास्ट हो सकता है कैश बुक भी या पासबुक भी। कैश बुक में भी अंडरकास्ट होने के लिए दो बातें हैं, या तो कैश बुक की डेबिट साइड अंडरकास्ट हो सकती है, या तो कैश बुक की क्रेडिट साइड अंडरकास्ट हो सकती है। पासबुक में भी अंडरकास्ट होने के लिए दो बातें हैं, या तो डिपॉजिट कॉलम अंडरकास्ट हो सकता है, या तो विड्रॉल कॉलम। पासबुक में भी दो कॉलम होते हैं ना, डिपॉजिट विड्रॉल। डिपॉजिट यानी क्रेडिट साइड, विड्रॉल यानी डेबिट साइड। आप जब बैंक से पैसे विड्रॉल करते हो तो योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड का मैसेज आता है, बराबर है। पूरे बीआरएस टॉपिक में अंडरकास्ट में होने के लिए यही चार चीजें रहेगी, 2, 3 और 4, बराबर। अब अच्छे से ध्यान देना, कैशबुक का डेबिट साइड कैशबुक का अंडरकास्ट हुआ, डेबिट साइड कैशबुक का अंडरकास्ट हुआ। कैशबुक के डेबिट साइड की बात चल रही, इसलिए मैं ऐसा एग्जांपल लूँ क्या जो डेबिट वाला है, कैशबुक के डेबिट वाला, इसलिए चेक डिपॉजिटेड का एग्जांपल ले रहा हूँ। कैशबुक के डेबिट साइड की बात चल रही, इसलिए चेक डिपॉजिटेड का एग्जांपल ले रहा हूँ। चेक डिपॉजिटेड ऑफ रुपीज 1000 बट रॉन्गली recorded in कैश बुक एज 900। मन से एग्जाम्पल लिया 1900 है जो भी है, ठीक है। 1000 का चेक डिपॉजिट किया, गलती से 900 लिखा, 1000 की जगह 900, मतलब गलती से कम हो गया ना अंडरकास्ट। 1000 की जगह 900 यानी अंडरकास्ट हुआ ना, 1000 की जगह 900 मतलब अंडरकास्ट हुआ ना, राइट, बरोबर। So, 1000 की जगह 900 लिख दिया, अंडरकास्ट हो गया। कितने से अंडरकास्ट हुआ, 100 रुपये से। कितने से अंडरकास्ट हुआ, 100 रुपये से, ले रहे बेटा। कितने से अंडरकास्ट हुआ, 100 रुपये से। सो 1000 की जगह 900 हो गया, 100 रुपीज से अंडरकास्ट हो गया, 100 रुपीज से अंडरकास्ट हो गया बेटा। यस और नो, ये बात समझ आई सभी को, पक्की बात, डन। सो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तो सो चेक डिपॉजिट किया था 1000 का, कैशबुक के डेबिट में लिखना चाहिए था 1000, कैशबुक के डेबिट में लिखना चाहिए था 1000, बरोबर है। 1000 की जगह कितना लिख दिया, 900, 1000 की जगह कितना लिख दिया, 900। चेक से रिलेटेड गलती हो गई, डिपॉजिटेड चेक है तो पासबुक तो बढ़ेगा ना, डिपॉजिटेड चेक है, चेक तो पूरा ही क्लियर होगा 1000 का, चेक तो पूरा ही क्लियर होगा 1000 का। सो चेक डिपॉजिटेड 1000, 1000 की जगह लिख दिया 900, चेक पूरा 1000 से क्लियर हुआ, डिफरेंस होगा कैशबुक नीचे पासबुक ऊपर। अब अगर कैशबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो ऐड करो, पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो लेस करो, सही है। इसमें किसी को डाउट है, सिंपल। उसके बाद क्रेडिट साइड की बात चल रही है तो चेक इशूड का एग्जांपल लेता हूँ। क्रेडिट साइड की बात चल रही है, चेक इशूड ऑफ रुपीज 1000 रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 900। कैशबुक में गलती से 900 लिख दिया, चेक इशू किया 1000 का, कैशबुक में गलती से लिख दिया 900। चेक इशू, सर इशूड का एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि क्रेडिट साइड की बात चल रही थी, क्योंकि क्रेडिट साइड की बात चल रही थी, यस और नो। सो चेक इशूड ऑफ 1000, 1000 की जगह 1000 से कम करना था, 1000 से कम करना था, 1000 की जगह लिख दिया 900,
हज़ार कम करना था, हज़ार की जगह लिख दिया 900, यस और नो। चेक तो इशूड वाला चेक है, चेक तो पूरा क्लियर हो गया रहेगा ना। रूल नंबर टू, कैशबुक में चेक से रिलेटेड गलती होगी मतलब चेक क्लियर हो गया, कैशबुक में चेक से रिलेटेड गलती होगी मतलब चेक क्लियर हो गया। चेक इशूड ऑफ रुपीज़ 1000, चेक इशूड ऑफ रुपीज़ 1000 बट रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 900, हज़ार का चेक था गलती से 900 लिख दिया, चेक तो पूरा इशूड चेक है तो क्लियर होगा, तो पूरा हज़ार से क्लियर होगा, यस और नो। ये आ गया बेटा न्यू पोजीशन, चेक इशूड था 1000, गलती से लिखा 900, चेक तो पूरा 1000 से क्लियर होगा, है ना। रूल नंबर टू, चेक से रिलेटेड गलती है तो चेक क्लियर हो गया, इशूड चेक क्लियर होता है तो पासबुक कम होता है, डिपॉजिटेड चेक क्लियर होता है तो पासबुक बढ़ता है। सो चेक इशूड 1000, गलती से लिखा 900, चेक तो पूरे से क्लियर होगा 1000 से, कैशबुक ऊपर पासबुक नीचे, कैशबुक ऊपर पासबुक नीचे, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 100 रुपये का, डिफरेंस है 100 का। अब स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है तो लेस कर दो, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो ऐड कर दो, है ना। आ गया ना न्यू पोजीशन, कैशबुक ऊपर पासबुक नीचे, चेक इशूड ऑफ 1000 बट 1000 की जगह गलती से लिखा 900, चेक पूरा क्लियर हो गया, कैशबुक ऊपर पासबुक नीचे, स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है यहाँ पहुँचना है फिक्स करो लेस, इसी में अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो यहाँ पहुँचना है फिक्स करो ऐड, क्लियर पक्का। अंडर कास्ट ओवर कास्ट समझ में आया क्या। नेक्स्ट, डिपॉजिट की बात चल रही है तो चेक डिपॉजिटेड का एग्जांपल लेता हूँ, चेक डिपॉजिटेड अब कहाँ पे लफड़ा हुआ है, पासबुक में, चेक डिपॉजिटेड ऑफ रुपीज 1000 रॉन्गली रिकॉर्डेड इन पासबुक, पासबुक में गलती हुआ है, अंडर कास्ट हुआ है पासबुक में, रिकॉर्डेड इन पासबुक एज गलती से कम हो गया ना तो 900 लिखता हूँ, बरोबर क्लियर। आ जाओ, चेक डिपॉजिट किया था, फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकेंड स्टेप रीड द पोजिशन, न्यू पोजिशन पे आ जाओ, रीड द इंफॉर्मेशन, न्यू पोजिशन पे आ जाओ, थर्ड स्टेप एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड ऑफ 1000 बट गलती से बैंक वालों ने 900 लिखा, हमने चेक डिपॉजिट किया 1000 का, चेक क्लियर हो गया, बैंक वालों ने 1000 की जगह गलती से 900 से ही बढ़ाया, चेक डिपॉजिट किया 1000 का, बैंक वालों ने 1000 की जगह 900 से बढ़ाया, आया न्यू पोजीशन आ गया, कैशबुक ऊपर पासबुक नीचे, कैशबुक ऊपर पासबुक नीचे, डिफरेंस कितने का 100 का, चेक डिपॉजिट किया 1000 का, बैंक वालों ने क्लियर किया 900 से, डिफरेंस 100 का। उसके बाद विड्रॉल की बात चल रही है ना। अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है तो ले, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो ऐड। देखो थर्ड स्टेप तो दूध पीता बच्चा भी करेगा, मेन है सेकंड स्टेप। चेक इशूड का एग्जांपल लेता हूँ, चेक इशूड ऑफ रुपीज 1000 रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 900, हमने चेक इशू किया था रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 900 कहाँ पे, इन पासबुक, हमने चेक इशू किया था 1000 का, चेक क्लियर हो गया, बैंक वालों ने भी कितना लिखना चाहिए था 1000 बट बैंक वालों ने 1000 की जगह 900 से ही कम किया, हमने चेक इशू किया 1000 का, बैंक वालों ने 1000 की जगह 900 से कम किया, पासबुक ऊपर कैशबुक नीचे, पासबुक ऊपर कैशबुक नीचे, डिफरेंस 100 का, स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक ऐड, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है लेस। अब बताओ ये समझ में आया, अंडरकास्ट का पूरा कॉन्सेप्ट समझा, अंडरकास्ट क्या हो सकता है, कैशबुक या पासबुक, कैशबुक में अंडरकास्ट होने के लिए क्या है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पासबुक में डिपॉजिट विड्रॉल, डन। उसके बाद जैसा अंडरकास्ट है सेम वैसे ही क्या हो सकता है, ओवरकास्ट, जैसा अंडरकास्ट है वैसे ही सेम ओवरकास्ट, ओवरकास्ट यानी गलती से बढ़ जाना, ओवरकास्ट कैशबुक में भी हो सकता है पासबुक में भी, कैशबुक में ओवरकास्ट कहाँ से हो सकता है बेटा, या तो डेबिट साइड में या तो क्रेडिट साइड में, पासबुक में ओवरकास्ट कहाँ हो सकता है, या तो डिपॉजिट कॉलम में या तो विड्रॉल कॉलम में, बरोबर है क्या, यस और नो, डन क्लियर। चलो आगे, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, चल एनी बड़ी, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है पक्का, चलो आगे चलो बेटा, डन चलो, ओके ओके। अब
डेबिट साइड की बात चल रही है, डेबिट वाला एग्जाम्पल लेता हूं, चेक डिपॉजिटेड ऑफ रुपीज 1000 रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 1100, बरोबर ना? चेक डिपॉजिट किया बट गलती से लिख दिया 1100, 1000 का चेक था 1100 लिखा, देखो ओवरकास्ट हुआ कि नहीं हुआ, गलती से ज़्यादा लिख दिया, बरोबर। अब बताओ चेक 1000 का था, गलती से लिख दिया, चेक 1000 का था, गलती से लिखा 1100, चेक से रिलेटेड गलती होगी, चेक क्लियर हो गया। चेक कितने से क्लियर होगा? 1000 से, जितने का चेक था। हमने गलती से 1100 लिखा, चेक थोड़ी ना 1100 का था, चेक तो 1000 का था, 1000 से क्लियर होगा। चेक था कैश बुक में, डिपॉजिट किया 1000 का, गलती से लिखा 1100, चेक 1000 से क्लियर हो गया। कैश बुक ऊपर, पासबुक नीचे, कैश बुक ऊपर, पासबुक नीचे, स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंस सौ का, डिफरेंस सौ का, हर बार डिफरेंस उतने का आएगा ना जितने से ओवरकास्ट या अंडरकास्ट हुआ। चेक इशू किया, चेक इशू किया, क्रेडिट साइड की बात चल रही इसलिए चेक इशूड का एग्जांपल लेता हूँ। चेक इशूड ऑफ रुपीज 1000 रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 900, कितना 1100 कैश बुक में गलती से 1100 लिख दिया। बोलो चेक इशू किया था 1000 का, गलती से लिखा 1100, चेक तो 1000 से क्लियर होगा, इशूड चेक है, कैश बुक नीचे, पासबुक ऊपर। वैसे चेक डिपॉजिट किया था, डिपॉजिट का बात चल रहा है, चेक डिपॉजिट किया था, डिपॉजिटेड ऑफ रुपीज 1000 बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन पासबुक एज 1100। हमने चेक डिपॉजिट किया था 1000 का, बैंक वालों ने 1000 की जगह 1100 लिख दिया, कैशबुक नीचे, पासबुक ऊपर। और ऐसे लास्ट वाला, हमने चेक इशू किया था 1000 का, बैंक वालों ने ओवरकास्ट कर दिया, समझ लो 1100। हमने चेक इशू किया था 1000 का, बैंक वालों ने 1000 की जगह 1100 कम कर दिए, कैशबुक ऊपर, पासबुक नीचे। कुछ समझे क्या बात को? अंडरकास्ट ओवरकास्ट क्लियर हुआ? 8 केसेस बताई मैंने, किसी भी टाइप का एग्जाम्पल आ जाओ फाड़ के रख देना एग्जाम में, राइट? क्लियर, पक्का? चलो आगे। चल उसके बाद अब देखो अपना अभी वाला एग्जाम्पल कहाँ पे बेटा, अभी वाला एग्जाम्पल, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, अंडरकास्ट हो गया 100 से, कैशबुक का क्रेडिट साइड, कैशबुक का क्रेडिट साइड अंडरकास्ट हुआ, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड क्या है न्यू पोजीशन, कैशबुक ऊपर, पासबुक नीचे, कैशबुक ऊपर, पासबुक नीचे, आ गया न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है, अपने अभी वाले क्वेश्चन में आप पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो, बरोबर ना? लेस कर दो, बरोबर। वापस बताता हूँ, क्रेडिट साइड की बात चल रही है तो चेक इशूड का एग्जांपल लेता हूँ, बरोबर है? जितना मैंने कैशबुक में, समझ लो चेक इशूड का एग्जांपल ले रहा हूँ लेकिन कम अमाउंट से कम हुआ, चेक तो पूरा क्लियर हो जाएगा। कैशबुक में जितने का चेक था, मान लो 1000 का चेक था, इन्होंने 900 ही लिखा, अंडरकास्ट हो गया, चेक तो पूरा क्लियर होगा, कैशबुक ऊपर, पासबुक नीचे, यहाँ पहुँचना है, फिक्स करो, लेस करो, तो ये 100 लेस। नेक्स्ट, चेक फॉर रुपीज 1000 वॉज इशूड टू क्रेडिटर ऑन 27th मार्च बट अनफॉर्चुनेटली द सेम वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। अरे रे रे रे, चेक इशू किया था 1000 का, लिखना चाहिए था कैशबुक में, लिखना भूल गए, चेक से रिलेटेड गलती हो गई, चेक क्लियर हो गया, वैसे भी चेक क्लियर हो गया, बोला है यहाँ पे चेक इशूड, कैशबुक में लिखना भूल गए लेकिन चेक क्लियर हो गया, आ गया न्यू पोजिशन, स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है, यहाँ पहुँचना, फिक्स करो, लेस करो। बोलो ठीक है, चलो आगे। एफ, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंकर कलेक्टेड अ डिविडेंड ऑफ 500 ऑन बिहाफ ऑफ HMN कंपनी एंड क्रेडिटेड द सेम टू हिज अकाउंट विद इन 31st मार्च। इस बात के बारे में हमें पता ही नहीं था, हमें कब पता चला? 3 अप्रैल को, BRS कब बना रहे? 31st मार्च को, बरोबर है? सो बैंकर ने कलेक्ट किया 500, हमें पता ही नहीं था इसलिए हमारा कैशबुक यहीं खड़ा है, बैंकर ने कलेक्ट किया 500, बरोबर है?
हमें पता ही नहीं था। डिविडेंड क्लिक किया, हमारे भी आप में स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुँचना है, फिक्स करो, ऐड करो। आ गया। सो बैलेंस एज पर पासबुक, बोलो कितना है बेटा? 30,000 प्लस 1700 प्लस 4000 माइनस 600 माइनस 100 माइनस 1000 प्लस 500, बोल रहे बेटा 27,500 बच्चे बोल रहे हैं, और ये माइनस आया, मतलब पासबुक का ओडी बैलेंस है, मतलब पासबुक का डेबिट बैलेंस है, पासबुक में डेबिट यानी ओडी 27,500, बराबर पक्का। अब इसका लिखने का तरीका बता देता हूँ, काफ़ी सारी किताबों में कैसा है लिखने का, प्रेजेंटेशन का और तरीका है, ये एक पहला तरीका है लिखने का, आंसर प्रेजेंट करने का, एक और दूसरा तरीका बता देता हूँ, ये एक पहला तरीका है, ये एक पहला तरीका है, एक और तरीका है, काफ़ी किताबों में कैसा दिया रहता है देख लो, है ना। बैलेंस एज पर कैश बुक 27,500, और ये ऐड वाले आइटम, और ये सॉरी 27,500 नहीं ना, 30,000 था ना। अब ये ओडी बैलेंस होने के बावजूद भी मॉड्यूल में इसको प्लस ही लिखेंगे, और एड लेस का हमारा और मॉड्यूल का जो भी है अलग अलग कर देंगे, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे हमने ओडी बैलेंस था तो हमने स्टार्टिंग में माइनस का साइन लिख दिया, काफ़ी किताब वाले इसको माइनस का साइन नहीं, इसको प्लस लिखते, और हमारा जो ऐड आया उनका वो लेस आता है। हमारा जो ऐड आया उनका वो लेस आता है, हमारा जो लेस आया उनका वो ऐड आता है, हमारा जो लेस आया उनका वो ऐड आता है, हमारा जो लेस आया उनका वो ऐड आता है, हमारा जो ऐड आया उनका वो लेस आता है, आंसर सेम आएगा। बैलेंस यहाँ पे जो मैंने लाइन मारी पेपर में, आप ऐसी लाइन मत मारना, सेंटेंस लिखना है जो मैंने बोला पढ़ाते समय, या फिर क्वेश्चन से देख करके लिख लेना, आंसर सेम आएगा, ओडी बैलेंस बराबर है, आंसर सेम आएगा, चेक कर लो आ रहा है क्या। एक और तरीका, आपने आंसर ये प्लस माइनस सही किया ना रे, 27,500 आपने बोला वो लिख लिया, एक और तरीका है लिखने का, बराबर है, बता देता हूँ, सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स अमाउंट ऐड वाले यहाँ पे, लेस वाले यहाँ पे, देखो बैलेंस एज पर कैश बुक, ओडी बैलेंस था ना 30,000, तो लेस के कॉलम में लिख दिया 30,000। उसके बाद ए पॉइंट क्या हुआ अपना, अब देखो मॉड्यूल के हिसाब से, अब देखते हैं बेटा हम लोग, अच्छे मॉड्यूल के हिसाब से बोल रहा हूँ, अपने हिसाब से बता देता हूँ तुमको, ठीक है, मॉड्यूल और अपना हिसाब, आंसर अल्टीमेटली सेम आएगा। हाँ आ जा बेटा, चलो देखो तो क्या आया था अपना पहला पॉइंट, प्लस 1700 प्लस आया था, ऐड के कॉलम में लिख दो, दूसरा प्लस आया था, ऐड के कॉलम में लिख दो, ये माइनस आया था तो लेस के कॉलम में लिख दो, ये माइनस आया था लेस के कॉलम में लिख दो, ये माइनस आया था लेस के कॉलम में लिख दो, ये प्लस आया था ऐड के कॉलम में लिख दो, ठीक है। चलो लेस वाले की टोटल कर बेटे, सब कर रहे मुन्ना, 30,000 प्लस 1,000 31,700, और ऐड वाले की टोटल करो 4,700 5,700 6,200 और ये माइनस 31,700, चेक कर लेना बेटा सब, चेक करो जल्दी जल्दी से, कोई आइटम छूटा नहीं है ना, 1,700 1,000 और 600 1,000 500, चेक करें मुन्ना, थर्टी थाउजेंड 31,700।
सौ 31,700 माइनस है और 6,200 बराबर 30,000 बच्चों एक सेकेंड हाँ टोटलिंग कर रहा हूँ। हाँ बेटा ये सी नंबर का जो पॉइंट है वो 2600 है, आपके बुक में 600 लिखा हुआ है, ये सी नंबर का पॉइंट 2600 है, सी नंबर का पॉइंट 2600 है, वही तो बोलो कुछ तो गड़बड़ है दया। सी नंबर का पॉइंट 2600 है, सी नंबर का पॉइंट 2600 है, ठीक है ये चेक कर लो, अभी चेक करो आ रहा है बेटा बरोबर। वो मैंने गलती से सी नंबर का जो पॉइंट है ना वो 600 लिख दिया था, एक्चुअल में वो 2600 है, सी नंबर के पॉइंट में 2000 और ये 600 भी है ना, दोनों भी है ना, ये 2000 भी है और ये 600 है, मैंने गलती से सिर्फ 600 लिखा, एक्चुअल में सी पॉइंट 2600 है, एक्चुअल में सी पॉइंट 2600 है। हाँ अब चेक कर लो, वही तो बोलो क्या गड़बड़ है दया, चेक करो आंसर सेम आ रहा है क्या, जो बच्चा लेक्चर रिकॉर्डेड देख रहा है बेटा एक बार चेक कर लेना, सी नंबर के पॉइंट में मैंने लिख दिया है 600, एक्चुअल में इट इज 2600, चेक करो। हाँ 30,000, अब यहाँ पे भी चेक कर लो आ रहा है क्या सेम, यहाँ पे भी कर लेता हूँ मैं, 30, 2600, 2700, 3200, 33,700 एम माइनस और 6,200 एम प्लस, ये आया 27,500 और ये आया बेटा इधर में 32,33, 33,700 देयर फोर 27,500 आपका आया ओडी बैलेंस, लेस ज़्यादा है ना, पासबुक ओडी बैलेंस, लेस वाले कॉलम की टोटल ज़्यादा थी इसलिए बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आया ओडी बैलेंस। कैसा भी चेक कर लो ये तीन प्रेजेंटेशन के तरीके हैं, बरोबर है, किया मैंने थर्ड नंबर का जो सी पॉइंट है उसमें 2600 की जगह 600 लिख दिया था, थर्ड नंबर जो सी पॉइंट है उसमें 2600 की जगह 600 लिख दिया था, वो एक बार करेक्शन कर लेना, ठीक है। एक्चुअल में 2600, काफ़ी सारी किताबों में मॉड्यूल में स्टार्टिंग में माइनस का साइन नहीं देते, तो बाकी अपना ऐड उनका ऐड लेस, अपना लेस उनका ऐड, सब उल्टा उल्टा हो जाता, अगर स्टार्टिंग में ही ओडी बैलेंस है माइनस का साइन दे दिया तो अपने रूल के हिसाब से जो ऐड लेस आ रहा उल्टा करने की ज़रूरत नहीं। या फिर तीसरा एक और प्रेजेंटेशन का तरीका है, ऐड कॉलम लेस कॉलम, सारी लेस वाली फिगर इधर ऐड वाली फिगर इधर, कैसा भी करो आंसर ओडी बैलेंस 27,500 ही आने वाला है, लिख लो है डन। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तीनों प्रेजेंटेशन के तरीके, अगर आपको एग्जाम में बोला एडलेस से लिखना है तो वैसे लिख देना आंसर, अदरवाइज कैसे भी लिखा तो भी चलेगा।